मीराबाई चानू के स्वागत के लिए सड़कों पर आए हजारों लोग। अपनी मां को देखकर मीराबाई चानू हुई इमोशनल। ओलंपिक भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू 27 जुलाई को मणिपुर में अपने घर पहुंची। इस दौरान हवाई अड्डे पर अपने मां से मिलने के बाद वो बेहद भावुक हो गई और उनकी आंखों से निकल आए आंसू। इंफाल के वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीराबाई की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ मीडिया भी मौजूद थी। उनके हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही अफरा तफरी मच गई। चानू का गांव इंफाल करीब 25 किलोमीटर दूर है और उनके गांव का नाम नोकपोक टांगचिंग है। बता दें, ओलंपिक भारोत्तोलन में 49 किलो भर वर्ग में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई माँ और पिता ने पहले अपनी बेटी को गले लगाई, जिसके बाद ही सभी भावुक हो गए और इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने उनके आसपास एक घेरा बनाया। बता दें, मीरा चानू का स्वागत करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मीराबाई हवाई अड्डे से मणिपुर राज्य सरकार के सम्मान समारोह में भी शामिल होने पहुंची, जिसकी मेजबानी मुख्यमंत्री ने की थी। इसी दौरान उन्हें राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक और इंटरनेशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद भी मिला। इससे पहले दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से उनका स्वागत किया गया था और यहां पर रेल मंत्रालय की ओर से उन्हें 2 करोड़ रुपए का प्रमोशन दिया गया। बता दें, रियो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मीराबाई को पिछले साल घर आने का मौका नहीं मिला। वो 5 साल केवल 5 बार ही घर आ सकती है। इसी दौरान उन्हें अपने बहन के शादी में भी हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। इसी बीच डोमिनोज कंपनी ने मीराबाई चानू को जो वादा किया था फ्री में पिज्जा खिलाने का, वो वादा पूरा किया। बता दे, मीराबाई चानू ने पिज्जा खाकर अपना जश्न मनाया, साथ ही हर किसी के घर में पिज्जा भिजवाया। वेल, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।